अल्लाह वालों राम वालों अपने मजहब को सियासत से बचा लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ट्रू सर्विस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर कुछ शायरियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शायरी है वो इस तरह है। कहने का मतलब, जो ये शायरी हमने लिखी है, ये भाईचारे के ऊपर लिखी हुई है कि जो सियासत है, जो राजनीति है, वो लोग कैसे हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और भाइयों को आपस में मिल के रहना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही माँ के बेटे हैं। ठीक है जी, तो आइए ये शायरी स्टार्ट करते हैं। भाई सुनो, भाई को भाई से लड़ाया ना करो, एक माँ के बेटे हैं दोनों, फ़र्क जताया ना करो। भाई सुनो, भाई को भाई से लड़ाया ना करो, एक माँ के बेटे हैं दोनों, फ़र्क जताया ना करो। तुम्हारी तिजारत और महल तुम्हें मुबारक, हमारे आशियाने तो जलाया ना करो। तुम्हारी तिजारत और महल तुम्हें मुबारक, हमारे आशियाने तो जलाया ना करो। भूख लगे तो गिड़गिड़ाते हो भिखारी की तरह, पेट भरने के बाद हमें भूल जाया ना करो। भूख लगे तो गिड़गिड़ाते हो भिखारी की तरह, पेट भरने के बाद हमें भूल जाया ना करो। माना कि खाने पीने की नस्ल है तुम्हारी, कम से कम हमारा हक तो खाया ना करो। माना कि खाने पीने की नस्ल है तुम्हारी, कम से कम हमारा हक तो खाया ना करो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये शेर आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो शेर है, अगली जो शायरी है वो स्टार्ट करते हैं। वो एक सैड टाइप की शायरी है दोस्तों। शायद कई लोगों के साथ ये चीज़ें क्रिएट हुई होंगी, इसलिए मैंने उनको मद्देनज़र रखते हुए ये शायरी लिखी है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दूसरी शायरी इस तरह है। खोया खोया रहता हूँ तन्हाइयों के सफ़र में, पागल ही हो गया हूँ दुनिया की नज़र में। खोया खोया रहता हूँ तन्हाइयों के सफ़र में, पागल ही हो गया हूँ दुनिया की नज़र में। शुक्र लोगों का जकड़े रखा तानों की जंजीरों में, बदनाम वो हो जाते खुला होता अगर मैं। शुक्र लोगों का जकड़े रखा तानों की जंजीरों में, बदनाम वो हो जाते खुला होता अगर मैं। हमारी औकात क्या है समझ नहीं आता, जब सुना कि भिखारी भी खुश है तेरे शहर में। हमारी औकात क्या है समझ नहीं आता, जब सुना कि भिखारी भी खुश है तेरे शहर में। अपनों ने जख्म दिए तो गैरों ने कुरेदा उन्हें, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं अमृत या जहर में। अपनों ने जख्म दिए तो गैरों ने कुरेदा उन्हें, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं अमृत या जहर में। तो दोस्तों, ये दो शायरियाँ आज की आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे भी जो वीडियो हैं, आगे भी जो शेर शायरी हैं, या कुछ नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, या ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप तक हम पहुंचाते रहें, आपको वो चीज़ें मिलती रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जो वीडियो हम डालेंगे उसमें आपको कुछ और शेर बताएंगे, और शेर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।